बक्सवाहा के वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाली रानी रैकवार ने बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को जन्म दिया। जन्म के उपरांत बच्चे के सिर में ट्यूमर की शिकायत डॉक्टर द्वारा बताई गई थी। बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बीमारी को गंभीर बताते हुए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों ने बीमारी को गंभीरता से लेते हुए परिजनों को भोपाल एम्स में इलाज कराने की सलाह दी। परिजनों के पास इतना पैसा नहीं था, फिर भी परिजनों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और गुहार लगाई। उनके बेटे का ऑपरेशन आम जनता की मदद से या सरकार की मदद से किया जाए, इस बात की जागरूकता के लिए मीडिया ने भी भूमिका निभाई। बीएमओ ललित उपाध्याय ने बच्चे को एम्स अस्पताल भोपाल रेफर कर दिया है, जहां डॉक्टरों की टीम अब उसका ऑपरेशन करेगी। जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया और अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्चे की मां ने इस घटना के बाद सभी का आभार व्यक्त किया है। 27 फरवरी को जन्म हुआ था, कैसे दमोह रेफर कर दिया था, दमोह से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल रेफर कर दिया था एम्स में। ऑपरेशन हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य बच्चा है, सब लोगों को, डॉक्टर लोगों को, सब लोगों को सही हुआ। क्या हुआ था बच्चे को? ट्यूमर हुआ था। ट्यूमर होने के बाद जन्म से ही ट्यूमर था? हाँ, जन्म से हुआ था। फिर अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने बोला दमोह रेफर कर दिया था। अब क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन के बाद करा स्वास्थ्य।